हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज भी हमारा चैप्टर 6th रहेगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। इसकी लास्ट हमारी एक्सरसाइज चल रही है। इसके फर्स्ट 10 सम को हम सॉल्व कर चुके हैं, अच्छे समझ चुके हैं। आज जो हम करेंगे यहाँ पर 11 to 20 सम करेंगे, क्योंकि तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आपके बसते हैं अब लेंथी क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन आपके हो पाएंगे एक वीडियो में। और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आपके 9 या 10 जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 11 to 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे, एक जैसे होंगे, उनको आपने ट्राई करना। उनमें से एक या दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11th आपका दिया गया है, वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर बहुत सारे ऐसे किए हैं, 6th किया है, 7th किया है, 10th किया है, वही क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। थोड़ा सा चेंज यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11th एक्सरसाइज 6.5 का यहां पर कहा गया, इट इज गिवन दैट एक्स इक्वल टू 1। कहा गया एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है जो फंक्शन हमें दिया गया, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वेयर प्लस ax प्लस 9 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल। और जो इंटरवल हमें दिया गया वो है क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा सा चेंज यहां पर जरूर किया गया है। अभी तक तो जो हमने क्वेश्चन समझे हैं किए हैं उसे थोड़ा सा अलग है। यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है ए की। इसने कहा कि इस पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू ए पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी फाइंड कीजिए। और मैक्सिमा मिनिमा हम कर चुके हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू या आपको हो जाएगा 4x³। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 124x, और यहाँ पर a रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 9 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड नहीं करना, हमें ऑलरेडी गिवन है बच्चों ध्यान रखें। यहाँ पर ये कहा गया है कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी फंक्शन की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर f डैश 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको लेके चलेंगे इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा 4 1³ 124 × 1 प्लस ए इक्वल टू 0, और ये आपका 4 रहेगा माइनस 124 प्लस ए इक्वल टू 0। और जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ से आपका माइनस का 120 हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू 0, और यहाँ से जो ए की वैल्यू आपकी रहेगी 120 आपकी रहेगी। हमें सिर्फ ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें नहीं जरूरत हमें करने, हम वैल्यू फाइंड करने ऑलरेडी कहा गया है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, ये इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 12th बच्चों हमें दिए, हमने वैसे कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12th हमारे पास क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया गया है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी इस इंटरवल में। अब ये फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x ऑन इंटरवल 0 to 2π। अब हमने एक क्वेश्चन ऐसे किए थे, चलिए इसको सॉल्व करते क्या करना है, वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। इस इंटरवल में इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम यहाँ पर चेक करेंगे इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या आएगा देखिए एफ डैश एक्स, तो एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा और साइन का करोगे तो कॉस 2x, और जब एंगल का करूंगा 2x का तो 2x का 2 हो जाएगा,
तो ये हमारे पास आएगा इसका 1 प्लस 2 cos 2x डेरिवेटिव रहेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, f डैश x को लेंगे इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, फिर 1 प्लस में 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, और यहां से मैं जब वैल्यू फाइंड करूंगा क्या आएगी, 1 को राइट साइड में लेके जाएं, 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 2। और बच्चों cos की वैल्यू 1 बाई 2 किस पे होगी, बच्चों अगर हम बात करें cos की जो वैल्यू है 1 बाई 2 आपकी 60 पे होगी, और 60 का मतलब क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 मीन 60 होगा, और क्योंकि माइनस है तो हम माइनस लेके चलेंगे। अब cos हमारा नेगेटिव कहाँ पर होगा, cos जो आपका नेगेटिव रहेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर बात करने cos की, तो इसको मैं इस प्रकार लिखूँ, अगर मुझे साइन ये रिमूव करना, क्या करेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड में आपका रहेगा नेगेटिव। जब इसको सोल्व करते हैं, हमने क्लास 11th में चैप्टर में किए थे थर्ड में, एक बार सोल्व करोगे cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई पर चेंज नहीं होगा, cos cos ही रहता है, लेकिन ये सेकंड में लाई करता है इसलिए माइनस साइन आएगा, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1 बाई 2 होगी तो माइनस 1 बाई 2 वैल्यू में मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एंगल को, 2x इज इक्वल टू सोल्व कर लें इसको 3 पाई माइनस 1, तो 2 पाई अपॉन 3 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 6 आ चुकी है, एक पॉइंट मिल चुका, और कहाँ कहाँ ये नेगेटिव हो सकता, ध्यान रखें थर्ड अगर क्वाड्रेंट की बात करूँ, अब थर्ड में मुझे इसको रखना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 पाई लूँगा, ध्यान रखें 2 पाई या पाई प्लस रख लें इसको, 2 पाई नहीं लेंगे आप, पाई प्लस करेंगे, जब पाई प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान रखें हमेशा ये पॉसिबिलिटी लेके यहाँ पर चलने, कहाँ कर आपका ये नेगेटिव रहेगा, तो जब 2 यहाँ पाई प्लस होगा तो 3 प्लस 1 4 पाई अपॉन में 3 रहेगा, और फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई, और यहाँ पर बच्चों 6 नहीं आएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल 3 रहेगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, पाई बाई 3 5 पाई बाई 3, इन पर चेक करेंगे, और जब फंक्शन के एंड पॉइंट जो आपके इंटरवल के दिए गए उस पर चेक करेंगे। चलिए तो पहले हम चेक करेंगे f पाई बाई 3 पर, और यहाँ पर पुट करोगे अब 1 प्लस, और जब यहाँ पर हम पुट करेंगे इसमें तो हमें वैल्यू क्या देगा, देखिए यहाँ पर जब पुट करोगे इस पर फंक्शन आपस ये है, ध्यान रखें x स्थान पर, सॉरी यहाँ पर पाई अपॉन 3, और जब यहाँ पुट किया तो आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ये रहेगी आपकी अंडर रूट 3 बाई 2। कैसे करना है देखिए, साइन 2 और यहाँ पुट करेंगे पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, इसको आप डिग्री में करें तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई, ये पाई कैंसिल, 3 से क्या 60 आ जाएगा और 120 हो जाएगा, तो 120 मीन्स 180 माइनस का 60 पर निकाल लें, 60 पर जो वैल्यू आएगी वही रहेगी आपकी 120 की भी, ध्यान रखें साइन की, तो ये इस प्रकार से आपके पास आएगी वैल्यू, ये बन जाएगा। सोल आगे करने की जरूरत नहीं है, हमने तो सिर्फ चेक करना है, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 पाई बाई 3 पर, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3, और जब 2 पाई बाई 3 की बात करेंगे तब भी आपके पास वही वैल्यू रहेगी, यहाँ पर अंडर 3 बाई 2 ही आएगी। साइन का ध्यान आपने रखना है, जब 2 पाई बाई 3 करेंगे और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग पर साइन यहाँ पर चेंज होते रहेंगे, बस साइन का ध्यान रखें, बाकी यहाँ पर वैल्यू सेम रहेंगी। फिर हम चेक करेंगे 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 यहाँ पर x के स्थान पर, और यहाँ भी वैल्यू वही आएगी, जब यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर करेगा अंडर 3 बाई 2। कैसे आएंगे ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और ऐसे ही हम चेक करेंगे इस पर f 5 पाई बाई 3, हमने यहाँ पुट करना है इस फंक्शन में जो आपका इनिशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर 5 पाई बाई 3, और यहाँ पर जब इसमें पुट करेंगे साइन तो 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, उसको सॉल्व करके देख ले क्या आएगी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ साइन 2 5 10 पाई अपॉन 3, यहाँ पर 180 अपॉन पाई, पाई कैंसिल, 3 से किया तो साइन आपका यहाँ पर आएगा ये, तो इस पर वैल्यू हम फाइंड करें तो क्या आपके पास रहेगी,
तो यहां पर आपके पास आ जाएगी फिर ये साइन का ध्यान रखें, माइनस आएगा आपका बस अंडर थ्री बाई में टू। ये तो हमारे पास रहेगी जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे, सभी फंक्शन में हमने ऐसे ही सोल्व करने, सारे पॉइंट अपने फाइंड करने जो भी बनते पॉसिबल। अब एंड पॉइंट्स जो दिए गए उन पर चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स एक जीरो है तो यहां पर जीरो पुट कर दें, एफ जीरो, तो ये जीरो जाएगा और साइन जीरो भी जीरो रहेगा। फिर चेक करेंगे किस पर, टू पाई पर, और ये टू पाई प्लस, तब यहां पुट करूंगा फोर पाई, और एन की वैल्यू देखिए साइन की वैल्यू हम एन पाई पर हम जब ने किया था एन पाई, तो क्या रहेगी जीरो रहेगी, पाई टू पाई थ्री पाई कुछ भी दिया जाए साइन की वैल्यू हमने जब ग्राफ को समझा था तो जीरो थी, तो यहाँ पर इसमें ऐड किया जीरो को, तो जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पर चेक करें, जीरो आपके पास मिनिमम वैल्यू आपकी आ चुकी है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास रहेगी यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपकी रहेगी वो जीरो, किस पर रहेगी जीरो पर, एट जीरो लिख सकते हैं इसमें, और मैक्सिमम क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट किस पर है, टू पाई पर लिख सकते, लिखना चाहो तो क्या रहेगी देखिए, अब यहां पर चेक करें सबको, यहां पर टू पाई है, ये पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, ये आपके, तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, तो ये आपका रहेगा टू पाई, तो जीरो और टू पाई इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहेंगी इस फंक्शन की, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। इस प्रकार से हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी इंटरवल आपको डिफाइन किया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको समझ, क्वेश्चन नंबर 13th और 14th की स्टेट में हमारे पास रहेगी। देखिए 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यहां पर क्या कहा, दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 24 आए और प्रोडक्ट जितना भी हो उसके लार्जेस्ट प्रोडक्ट हाई वो फाइंड करना है, और कुछ ऐसा ही यहां पर दिया गया है 14th में, फाइंड टू पॉसिबल नंबर x एंड y। यहां पर ऐसे लिखा, बात वही है, सम x प्लस वाई, दो नंबर का सम हमें 60 दिया गया और उनका प्रोडक्ट हमें क्या दिया, x इंटू वाई क्यूब, मैक्सिमम रहे लार्जेस्ट रहे बात वही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15th भी हमारा ऐसा ही रहेगा, तो उसको आपने स्वयं ट्राई करना है, बिल्कुल सेम ऐसा रहेगा 14 के जैसा रहेगा। इसलिए देखिए अब दो को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक ना आप एक को आप ट्राई करें, तो यहाँ पर दो नंबर की बात हुई, दो नंबर लेट कर लें, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, मान लेते हो दो नंबर जिनके सम और प्रोडक्ट की बात यहां पर हम कर रहे हैं वो एक्स और वाई है, तो उसका सम हमें दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और साथ में ये कहा कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा, हम मान लेते P इज द प्रोडक्ट, P हमारा प्रोडक्ट रहेगा, तो लार्जेस्ट कहा जाए एज पॉसिबल एज, तो एक्स वाई ये रहेगा। अब यहां से हम क्या करें, फंक्शन को हम लेके चलेंगे x की टर्म में, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 24 माइनस x हो जाएगा, यहां पुट कर दे तो x इंटू 24 माइनस x हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले चाहे तो पी एक्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहां पर एक फंक्शन की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो हो जाएगा 24 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड करना लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज की फाइंड करनी क्या हो सकती है फंक्शन की, तो पहले प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका हो जाएगा 24 और जब यहां करूंगा तो आपका आएगा 2x, और वही बात बच्चों यहां पर एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, तो पी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, सोल्व कर लेंगे इसको, 24 दिखा के माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे प्लस का 12 आपका आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना क्या ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा, तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हेल्प लेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, पी डबल डैश एक्स, तो क्या आएगा इसका,
माइनस टू रहेगा, और क्या लेस देन जीरो है। और जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट, और यहां पर क्योंकि कांस्टेंट बच चुका है, यहां पर वैल्यू तो हम पुट करेंगे इसमें, क्योंकि माइनस टू ऑलरेडी आ चुकी वैल्यू, तो जब आपकी माइनस जीरो से लेस आएगी यानी कि नेगेटिव आएगी, तो ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आपका जो अभी आपका जो पॉइंट आपका रहेगा, ये आपका मैक्सिमा रहेगा, एब्सोल्यूट या लोकल, लोकल कहेंगे यहां पर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहे क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट, पी मीन्स प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, अब हमें ये मिल चुका हमारा जो पॉइंट है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, अब यहां पुट करेंगे इसमें, तो एक नंबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रहेगा, यानी कि एक्स 12 आपका आ चुका है। सेकंड नंबर क्या होगा, हम माइनस करेंगे, जो सेकंड आपका वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 आएगा। अगर दोनों नंबर आपके 12 रहेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल जाएगा, और सम इनका 24 रहेगा। अगर चेंज कर दें इनको, मान लीजिए हमें प्रोडक्ट सम चाहिए 24, एक को मैं 20 एक को 4 लूं तो 80 ही आएगा प्रोडक्ट, कुछ भी ले तो 12 और 12 का प्रोडक्ट 144 रहेगा और ये मैक्सिमम रहेगा। तो इस प्रकार से हमने चेक करना, फाइंड करना है प्रोडक्ट। अब यहाँ भी दो नंबर यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ से हम y के निकाले थे वैल्यू, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 माइनस x, और जो प्रोडक्ट हमें दिया गया है p x इस फॉर्म में लिख लें, x इंटू वाई क्यूब, और यहाँ पर y की वैल्यू 60 माइनस x का क्यूब जो यहाँ पर किया वो भी यहाँ पर भी करेंगे। अब हमने क्या करना, डेरिवेटिव फाइंड करना, डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम ऑलरेडी कर चुके, समझ चुके। देखिए अब p डैश x, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्योंकि दो हमें फंक्शन का प्रोडक्ट मिल चुका है, चाहो तो उसको एक्सपेंड करके करें वो लेंथ ही हो जाएगा। सिंपल ये रहेगा कि प्रोडक्ट रूल से करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का करेंगे तो वन होगा, फिर सेकंड फंक्शन सेम रहेगा प्लस में, अब फर्स्ट को सेम रखेंगे, इसका करेंगे पहले पावर का, ये थ्री आगे आएगी पावर, और इसमें वन माइनस क्या टू हो जाएगा। अब इस फंक्शन का करेंगे, 60 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, हाँ माइनस एक्स का माइनस वन आ जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई इसको और करें, अगर कॉमन भी निकाल लें यहाँ से तो क्या आएगा, 60 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आपका रहेगा 60 माइनस एक्स, ये रहेगा, और यहाँ पर क्या बचता है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो कॉमन आ चुका है, ये 3x हो जाएगा माइनस के 3x, और सिंपलीफाई करूं तो ये आपका हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 60 माइनस 4x हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट, जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा उसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो p डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, फिर 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 60 माइनस में 4x इज इक्वल टू 0। जब इसको लेंगे 0 के इक्वल, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बहुत साइड स्क्वायर रूट करें, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से x आपका रहेगा 60। अब x हमारे पास 60 आ जाएगा, अगर मैं x को 60 लेके चलूं और यहाँ पर 60 पुट करूँ तो y क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 तो हम नहीं लेंगे, तो हमने फिर क्या करना है, ये तो आपका नहीं होगा, फिर हम यहाँ पर लेंगे 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे 15। ये ध्यान रखें, दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, लेकिन ये 60 क्यों नहीं लेंगे, उसने ये कहा कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हो, लेकिन सम यहां पर दिया गया 60 आए, अगर एक नंबर 60 सेकंड फिर क्या होगा, 0 होगा, और ये तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर प्रोडक्ट तो 0 उनका हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, इसको करेंगे रिजेक्ट, और हमारे पास जो फंक्शन जो हमारा रहेगा, अब ये हमें यहां से मिल चुका क्रिटिकल पॉइंट, ये हमें देगा अब वैल्यू, कैसे देगा वो चेक करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। तो जो फंक्शन आपके पास को डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या हमारे पास रहेगा, सोल्व कर ले इसको, अब ये हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई करके आपका आ चुका है, इसका आपने करना प्रोडक्ट रूल से,
वो आप कर ले इसको, तो हमारे पास जो यहां पर आएगा इसको सॉल्व करके इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट आप करोगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस टू इंटू सिक्सटी माइनस एक्स, और यहां पर आपका रहेगा 180 माइनस में 6x। कैसे आएगा हम कर चुके हैं, यहां पर कर भी सकते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव ऐसे करोगे तो यहां पर हमारे पास ये आएगा। हमने क्या करना है, यहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे 15, तो क्या देगा हमें साइन ही चेक करना, नेगेटिव या पॉजिटिव क्या आएगा, ये मैंने पहले ऐसे कर लिया था इसलिए माइनस टू यहां पर 60 माइनस 15 हो जाएगा यहां पर 180, और जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 90 हो जाएगा। इनको सोल्व किया यहां 45 यहां पर 90, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने जरूरत नहीं, साइन ही चेक करना है तो माइनस में वैल्यू आपकी आएगी। तो यहां से हमें क्या मिल चुका है, जो P डबल डैश x की वैल्यू जो है 15 पर, यहां पर 15 में हम चेक किया इसको तो क्या रहेगी, वो लेस देन जीरो रहेगी, लेस देन जीरो। और जब लेस देन जीरो है तब क्या होगा आपका, ये मैक्सिमा रहेगा आपका, लोकल मैक्सिमा। और जब मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम या लार्जेस्ट प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे किस पर रहेगा हमारे पास 15 पर। पहले हम फाइंड कर लेंगे इस नंबर को क्या आएगा, अब y इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो y हमारे पास रहेगा 45, तो दो नंबर हमारे पास रहेंगे, 15 आपका रहेगा और एक हमारे पास रहेगा 45, तो ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, इन पर हमारे पास वैल्यू हमें मिल जाएगी जबकि रहेंगी मैक्सिमम वैल्यू। हमें नंबर ही फाइंड करने, वैल्यू तो फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट जो आपका आएगा मैक्सिमम आपका रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करना, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें इस डेरिवेटिव का कैसे अपने निकालना, मैंने यहाँ पर सॉल्व पूरा नहीं किया इसको क्योंकि डेरिवेटिव हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करना है, तो आप ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपका सेम एज है, इसके जैसा ही दिया गया है, तो स्वयं ट्राई करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, उसका 17 क्या रहेगा, स्टेटमेंट क्या है, देखिए थोड़ा सा अलग रहेगा सभी से करना, लेकिन वही है, अ स्क्वेयर पीस ऑफ टिन साइड 18 सेंटीमीटर। एक हमें कोई पीस दिया गया, कोई टुकड़ा दिया है टीन का, जिसकी शेप कैसी रहेगी, स्क्वेयर शेप में रहेगा। करना हमें क्या है, यहां पर देखिए, इज टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, इस टीन को फोल्ड करके हमें एक बॉक्स बनाना, विदाउट लीड का, विदाउट टॉप का है, टॉप इसका नहीं होगा। तो यहां पर कुछ स्क्वेयर कट किए जाएंगे कॉर्नर से, क्या लिखा है देखिए, By cutting a square from each corner and folding up flaps to form the box, what should be the side of the square to be cut? जो यहां से स्क्वेयर कट किए जाएंगे उनकी साइड क्या हो, क्योंकि इनको कट किया जाएगा और इस प्रकार से बॉक्स बनते हैं, यहां से कट होंगे कॉर्नर से कोई स्क्वेयर, और फिर इसको फोल्ड किया जाएगा, एक बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप। तो यहां पर कहा सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या बॉक्स जो आपका रहेगा इज द मैक्सिमम पॉसिबल, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहे क्या, ऐसी साइड हम यहां पर लेके चलें। देखिए जो स्क्वेयर पीस आपको दिया इसकी साइड हमें दी गई 18 सेंटीमीटर, तो स्क्वेयर है सभी साइड इक्वल रहेंगी, ऑल फोर साइड आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो हमें कट करना है वो आपका रहेगा स्क्वेयर, और स्क्वेयर में भी सभी साइड इक्वल रहेंगी, मान लेते जो साइड हमने कट करनी है वो आपकी एक्स है, तो ये एक्स रहेंगी सभी, इसी प्रकार यहां पर रहेंगी। तो जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी, ये तो हमें साइड दी गई है साइड ऑफ स्क्वेयर पीस ऑफ टीन, उसकी साइड हमें दी गई वो आपकी दी गई 18 सेंटीमीटर। मान लेते लेट साइड ऑफ स्क्वेयर कट ऑफ, तो स्क्वेयर यहां से कट किया जाएगा, उसकी साइड हमने मान ली है एक्स सेंटीमीटर। तो जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी, देन लेंथ ऑफ बॉक्स
तो बच्चों देखिए लेंथ क्या होगी, अब x यहां से कट हो जाएगी और x यहां से ये बचेगी हमारे पास इसकी बॉक्स की जो लेंथ रहेगी। अब 18 में से x और x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 माइनस में 2x सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ सेम रहेंगे लेकिन हाइट ध्यान रखें, हाइट क्या बनेगी, जो हमने यहां से कट की है जब इसको फोल्ड करोगे तो ये जो x आपकी रहेगी हाइट हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ सेम रहेगी तो ब्रेथ भी वही रहेगी, ब्रेथ ऑफ बॉक्स तो ये भी 18 माइनस में 2x सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन हाइट का ध्यान रखें, यहां पर हाइट इनसे डिफरेंट रहेगी, हाइट ऑफ बॉक्स और वो रहेगी x सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, और ये क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहेगा, अगर मान लेते v हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, अब ये क्यूबॉइड बन जाए, क्यूब नहीं रहेगा क्योंकि क्यूब में तो सभी साइड इक्वल होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट आ चुकी है तो क्यूबॉइड होगा और इसका वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ ब्रेथ तो सेम है, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर हो जाएगा, बस हमारे पास ये डिफरेंट रहेगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स इंटू 18 माइनस में 2 एक्स का स्क्वायर। तो ये हमें वॉल्यूम मिल चुका है, अब ये मैक्सिमम कब होगा ये हमें फाइंड करना। अब हमारा जो प्रोसेस रहेगा यहां तक हम कर चुके हैं, इसको अब हम मान लेते हैं वी एक्स फंक्शन, डेरिवेटिव करेंगे इसका पहले वी डैश एक्स, और यहां भी फर्स्ट और सेकंड लेके करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का वन हो जाएगा, ये सेम रहेगा 18 माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में, अब x सेम रहेगा, इसका करेंगे पहले पावर का ये 2, 18 माइनस में 2x और 1 माइनस करते हैं एक्सपोनेंट में से तो 1 ही रहेगा, फिर करना हमने इसका 18 का 0 हो जाएगा लेकिन माइनस के 2x है, इसका माइनस का 2x आएगा। कॉमन यहां से निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, 18 माइनस में 2x का स्क्वायर यहां पर है लेकिन कॉमन क्या आएगा, ये आएगा, यहां पर क्या रहेगा फिर 18 माइनस में 2x, यहां पर देखिए प्लस के 2x को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और इनको अगर मैं ऐड कर दूं माइनस 2 और माइनस 4 को तो हम सीधा यहां पर लिख लें माइनस का 6x, यह आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना वो पॉइंट जो हमें क्या देगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जब करेगा इसका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं उसको, वो लेके चलेंगे, वो कैसे मिलेगा हमें, तो जो डेरिवेटिव आपका है उसको हम इक्वल टू करेंगे जीरो के। जब यहां से मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो वैल्यू क्या क्या आएंगे, मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं, यहां पर इसको जीरो के इक्वल लेके चले तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू जीरो, यहां से वैल्यू क्या आएगी देखिए, जब इसको इक्वल टू जीरो किया तो ये 18 जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से x की वैल्यू आपकी रहेगी 9, वो आप फाइंड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, यहां से करेंगे तो 6 3 18, यहां से आपके पास आएगी वैल्यू 3। अब हमें पहले चेक करना है कि दोनों वैल्यू हमारे पास स्टेबल होंगी या नहीं होंगी, क्या अगर हम यहां पर पुट करके देखते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर 9 पुट करूं, 9 हो जाए 18 हो जाएगा, तो 18 माइनस में 18 जीरो, तो उस बॉक्स की लेंथ ही जीरो हो जाएगी, तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, जब लेंथ ब्रेथ जीरो तो उसका फिर वॉल्यूम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये तो हम करेंगे रिजेक्ट, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि इसकी लेंथ ब्रेथ जीरो हो जाएगी, यहां पर हम पुट करते हैं इसको, तो हम यहां पर ये जो हमारा रहेगा क्रिटिकल पॉइंट आपका रहेगा, इस पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हमें देगा या मिनिमम देगा, उसके लिए हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या करेंगे, अब जो फंक्शन हमारे पास आया था डेरिवेटिव करके उसका फिर से डेरिवेटिव करोगे, थोड़ा सिंपलीफाई यहां पर कर सकते हैं, कॉमन निकाल लें, अगर यहां से क्या देखिए यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा 12 हो जाएगा, यहां पर रहेगा जब 2 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस एक्स, और यहां से 6 कॉमन लेंगे तो 3, क्योंकि 6 3 18, हम 6 कॉमन लेंगे और यहां पर आपका रहेगा x, इसका डेरिवेटिव फिर करना हमने, और यहां भी हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो यहां पर जब डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम उस तरीके से करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका 24 इंटू माइनस 6 प्लस में x, कैसे आएगा वो आप कर सकते हैं, कोई से बड़ी बात नहीं है,
इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का वन आएगा, ये सेम रहेगा, फिर इसका करेंगे ये सेम रहेगा, तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा। हम अब चेक करना है जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है थ्री, उस पर चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी। तो एफ डबल डैश थ्री पर चेक करेंगे तो 24 और माइनस सिक्स माइनस थ्री, तो 24 इंटू माइनस नाइन, और ये वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन। हमें वैल्यू चेक ये करना है कि साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी क्योंकि 24 माइनस के 9 को मल्टीप्लाई करने माइनस की वैल्यू आएगी, लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो अगर वैल्यू होगी तो ये आपका पॉइंट रहेगा, ये आपका रहेगा मैक्सिमा रहेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी इसी पॉइंट में मिलेगी। अब हमें क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करनी है कि वो एक्स क्या होगा जो हम कट करेंगे, जो स्क्वायर बनेगा, तो क्या रहेगा आपका, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की निकाल रहे हैं यहां पर, ध्यान रखिए एक्स आपका थ्री हो जाएगा, अब यहां पुट कर देन में तो इनकी लेंथ ब्रेथ आपकी आ जाएगी, लेकिन हमें फाइंड तो क्या करना, सिर्फ पॉइंट ही फाइंड करना है कि आपका मैक्सिमम पॉइंट आपका क्या रहेगा, तो वो हम फाइंड करें। तो यहाँ पर पुट कर लें मैं वैल्यूज, तो लेंथ ब्रेथ इसकी निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ पर थ्री पुट किया जाएगा तो सिक्स हो जाएगा, तो ट्वेल्व आ जाएगी, तो यहाँ पर ट्वेल्व आ जाएगी आपकी, और ब्रेथ आपकी थ्री हो जाएगी। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा इस फंक्शन के लिए। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करना, बस यही फाइंड करना कि वो पॉइंट क्या रहेगा, यानी कि एक्स जो कट किया जाए वो क्या रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों बिल्कुल सेम एज आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसमें जरूर है, यहाँ पर स्क्वायर सीट है, वहाँ पर आपकी रेक्टेंगुलर सीट रहेगी। यहाँ भी यही कहा गया, रेक्टेंगुलर सीट ऑब्टेन 45 सेंटीमीटर बाई 24 के लेंथ ब्रेड दी गई है, is to be made into a box without top by cutting of square from each corner and folding up the flaps. What should the side of square to be cut off the volume of box is maximum. तो वही कहा गया, बस फर्क ये रहेगा यहाँ पर जो rectangle आप लेंगे इसकी जो length 45 होगी, breadth इसकी 24, जो cut यहाँ पर square करेंगे यहाँ पर length breadth same नहीं होगी box की। अब 45 में से x x माइनस किया तो इसकी जो बचेगी वो 45 माइनस 2x हो जाएगी, यहाँ पर 24 माइनस 2x हो जाएगी, और हाइट आपकी x रहेगी, बस बाकी आपका सेम एज करना अपने, तो इसको आप ट्राई करें। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। नंबर 19 के स्टेटमेंट देखिए बच्चों क्या दी गई है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। किसी भी सर्कल के अंदर जो गिवन सर्कल होगा उसके अंदर हम एक रेक्टेंगल अगर ड्रा करें उसका एरिया मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब वो स्क्वायर होगी, यानी कि जब रेक्टेंगल आपकी स्क्वायर बन जाएगी तो उसका एरिया मैक्सिमम रहेगा, हमने प्रूव करना है इसमें। तो क्या करेंगे, अब मान लेते एक सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस हमारे पास क्या है उसकी ए, हमने उसकी रेडियस लेट की, लेट गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, हम मान लेते सेंटर हमें इसका ओ दिया गया, एंड रेडियस इसकी है, एंड रेडियस इज ए, और जो रेक्टेंगल ड्रा की गई है एंड ए बी सी, इसको मान ले एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले इसको, ए बी सी और डी, एंड ए बी सी डी is a rectangle inscribed into a circle with sides के हमारे पास ये रहेंगी, with sides x and y, x को हमने length लिया है, y को हमने breadth इसमें लिया है। तो ये हमें given है कि एक circle हमें दिया गया है जिसका center O, radius A है, और उसके अंदर एक rectangle draw किया, उस rectangle के जो dimension, जो length breadth है वो हमने x और y लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला काम क्या रहेगा, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके लोअर क्लासेस में, नाइन्थ क्लास हमने एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जब भी एंगल बनता राइट एंगल रहेगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, पाइथागोरस यहाँ पर लगा लेंगे इस पर,
अब ये ए सी डायमीटर रहेगा इसका सर्कल का, तो ये 2a हो जाएगी। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या रहेगा, देखिए ए सी आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ए सी हमारे पास क्या है 2a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट करें तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4a माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा, एक फंक्शन आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है कि एरिया आपका मैक्सिमम रहे, और ये कब होगा जब स्क्वायर बन जाएगी रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ आपके इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास एक्स है और ब्रेथ वाई, और वाई आपके पास ये आ चुकी, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे अंडर रूट 4a माइनस में एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। तो बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इस एरिया को हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ax, क्योंकि x के टर्म में हमारे पास ये है, तो उसका डेरिवेटिव a डैश x, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल रहेगा, और पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x का, इसको सेम रखें अंडर रूट 4a स्क्वायर यहां पर रहेगा, ध्यान रखें 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर रहेगा, फिर प्लस में। अब ये x सेम रहेगा और इसका डेरिवेटिव अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, पता है वो उसका रहेगा 1 अपॉन में ये रहेगा, और x के स्थान पर ये है तो ये आपका यहां पर रहेगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर, ये तुम्हारा अंडर रूट x का होगा, लेकिन इसका भी तो करना पड़ेगा। अब 4a स्क्वायर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और इसका जब करूंगा तो माइनस का 2x आपका आ जाएगा, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम आ जाएगा a डैश x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर आपका रहेगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका और सिंपलीफाई कर ले, और फिर यहां से फाइंड करें क्रिटिकल पॉइंट। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a डैश x इज इक्वल टू यहां पर बाई 1 एलसीएम लेंगे, सोल्व करोगे पता है कैसे करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यहां पर सेम रहेगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन में आपका रहेगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, ये बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब फाइंड करना हमने क्रिटिकल पॉइंट, तो a डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से इसको क्रॉस कर देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा, तो यहां से निकालनी हमने किसकी वैल्यू x की निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको इधर ले जाए या इसको, तो आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहां से कैंसिल 2 पर, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी रहेगी x इज इक्वल टू, क्योंकि बोथ साइड आप स्क्वायर रूट करोगे तो अंडर रूट 2 इंटू a, कैसे आएगी क्योंकि यहां पर कैंसिल करके 2a स्क्वायर रहेगा, उसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट 2a बन जाएगा, तो ये वो पॉइंट हमें मिल चुका है क्रिटिकल पॉइंट जो हमें देगा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। अब ये चेक कैसे करते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा मिनिमम देगा, उसके लिए हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का जो आपका रहेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका।
अब इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? अब बच्चों यहां पर कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर फिर सेम फिर इसका डेरिवेटिव फिर ए सेम फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में मिलेगा क्या? ठीक है, थोड़ा सा इसको आप कैसे करेंगे चलिए कर लेते इसको। तो क्या होगा देखिए, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा इस प्रकार से, और फिर ये सेम रहेगा यहां पर। अब ये सेम जो आपका दिया है यहां पर अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव ये कॉन्स्टेंट जीरो इसका करेंगे तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा माइनस में, ऐसे करते हैं। अब इसको सेम रखेंगे फोर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर को, ध्यान रखें इसको सेम रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? फिर वही अभी हमने किया था, जब हमने बात की थी यहां पर हमने किया था इसका डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका था ये माइनस टू एक्स अपॉन में टू ये रहेगा। इसी प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, जब इसका करेंगे पहले वन बाई टू पावर जो आपकी है वो आगे आएगी, ध्यान रखें तो वन अपॉन टू ये आगे, इसमें से वन माइनस करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, जैसे हम करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब फिर इसका करना होता है यहां पर आपका आ जाएगा माइनस का 2x, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई इसको और करना पड़ेगा, पहले इनको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए a डबल डैश x इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस 4x को आगे लिखे बाद में लिखे कहीं भी लिखे 4x यहीं लिख लेते हैं, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बचेगा एक तो हमारे पास यहाँ पर एक रहेगा फोर ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर आपका रहेगा, और जो इसका एलसीएम लेंगे एलसीएम कहाँ जाएगा वो पॉन में आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करें इसकी एक्सपोनेंट वन है इसकी वन बाई टू, और जब बेस सेम हो तो ऐड करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू हो जाएगा, तो हो जाएगा फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की एक्सपोनेंट थ्री बाई टू हो जाएगी। a डबल डैश x तो मल्टीप्लाई करोगे बाहर माइनस पे तो माइनस के हो जाएंगे 16 a स्क्वायर x, और जब इससे करूंगा तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा, और जब इनको करेंगे तो प्लस के 4a स्क्वायर x, और यहाँ माइनस के 2x क्यूब अपॉन में ये सेम रहेगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3 बाई 2। अब ये लाइक टर्म है, माइनस का 16 ए स्क्वायर एक्स और प्लस के 4 ए स्क्वायर एक्स है, तो माइनस के यहाँ से बचेंगे 12, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर इसकी हमें जरूरत नहीं है, देखिए क्या आएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डबल डैश एक्स, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस का 12 ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस के 4 और माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो इसके साइन का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेंगे फिर हमारे पास प्लस के 2x क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू पावर 3 बाई 2, तो ये हमारे पास आ चुका है। इससे अगर और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब साइन चेक करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल चुका है ऑलरेडी, अब यहाँ पर पुट करेंगे इस पर वैल्यू क्या रहेगी इसकी। अब सेकंड ऑर्डर का जो हमारा डेरिवेटिव टेस्ट है उसको हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं, तो जहाँ भी आपके पास एक्स वहाँ पर क्या पुट करना है अंडर रूट 2a, तो आपको हो जाएगा माइनस 12 ए स्क्वायर अंडर रूट 2a हो जाएगा, यहाँ पुट करूँगा 2 अंडर रूट 2a और इसका क्यूब, सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर, यहाँ पर पुट करोगे स्क्वायर है इसका, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तब का रहेगा 2a स्क्वायर बचेगा और इसकी 3 बाई 2। हमें सिर्फ साइन चेक करना है, इसका पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, साइन नेगेटिव पॉजिटिव कैसा रहेगा, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करें तो 12 अंडर रूट 2 ए क्यूब हो जाएगा, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा अंडर रूट 2 का तो क्या आएगा, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 2 रूट 2 रहेगा, तो आपका हो जाएगा 4 रूट 2 और ये ए क्यूब हो जाएगा,
यहाँ पर आपका रहेगा 2a² इसकी पावर 3/2। इसको सोल्व करोगे 12 - 4 8 हो जाएगा। देखिए माइनस का 8 अंडर रूट 2a³ रहेगा यहाँ पर अपॉन में 2a² और 3/2। जब इसको सोल्व करोगे इन दोनों को, तुम्हारे पास यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आपका रहेगा अंडर रूट 2a रहेगा। इनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर साइन कैसा मिलेगा, साइन ही चेक करना मेन हमारा काम है। जो सेकंड ऑर्डर का हम डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड जो डेरिवेटिव टेस्ट आपका रहेगा वहाँ से साइन ही चेक करना है। साइन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से जब करोगे सोल्व ये 2 कैंसिल होगा इससे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको करोगे इसका हम क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ जो बचता है आपका रहेगा माइनस का 4 और ये लेस देन आपका 0 रहेगा। अब सेकंड ऑर्डर टेस्ट से हमें क्या मिलता है, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने किया कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिले किस पर, हमने किस पर चेक की है, ये हमने चेक की है x की वैल्यू अंडर रूट 2a पर, तो ये हमें नेगेटिव देता है। नेगेटिव जब देगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा और यहाँ पर हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये कि जो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जो उसकी लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। और लेंथ ब्रेथ को हम क्या लेके चले थे, देखिए एक बार यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ क्या थी इसकी, हमने जहाँ पर यहाँ पर यूज किया था वाई इज इक्वल टू 4a² माइनस में x², ये हमारे पास ब्रेथ थी और x हमारी लेंथ थी। अब x की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी, इसको यहाँ पुट कर दें फिर चेक करें क्या दोनों इक्वल आती हैं। अगर इक्वल आएंगे तो बिल्कुल जो दिया गया सेम हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a² इसका सब स्क्वेयर करोगे किसका, अंडर रूट 2a का, तो हो जाएगा 2a² माइनस कीजिए क्या हो जाएगा 2a² का रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a। और यहाँ पर आपके जो लेंथ और ब्रेथ वो इक्वल हो चुकी है, तो जो रेक्टेंगल है क्या है वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा तो इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये हमने प्रूव करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपके अब ये रहेंगे जो बचते हैं इस एक्सरसाइज में, लेंथी रहेंगे, थोड़ा सा समझे इसको। डेरिवेटिव का कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 5th में, कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, कोशेंट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन आज और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए वो क्या, नंबर 20 जो हमें दिया गया स्टेटमेंट क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। यहां पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें दिया गया है और उसका जो सरफेस एरिया है क्या रहेगा हम वो पहले कर चुके हैं, और मैक्सिमम वॉल्यूम की यहां बात की जा रही है। इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, जिसकी हाइट रहेगी इसके डायमीटर के इक्वल रहेगी, तो ये हमें कहा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं जो रेडियस हमारे पास इसकी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर है आर, मीटर सेंटीमीटर यूनिट कोई दी नहीं गई है, और हाइट इसकी हम मान लेते हैं h। तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, उसको s से लिखें, सरफेस एरिया आपको होता है 2πrh, ये रहेगा प्लस में। देखिए अब इसका जो सरफेस एरिया ts से जो आपका रहेगा 2πrh 2πr² तो ये रहेगा। अब हमने करना क्या है, हमें यहां से फाइंड करनी है इसकी हाइट, और हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इसको इधर लेके माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये जो h के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो यहां से जो हाइट रहेगी, क्योंकि हमने क्या निकालना, हाइट इक्वल टू बेस ऑफ डायमीटर, तो यहां से पहले क्या होगा s माइनस 2πr² अपॉन में
टू पाई आर एच रहेगा। अलग अलग करें इस प्रकार से इसको थोड़ा सा, एस अपॉन में टू पाई आर, एच नहीं आएगा यहाँ पर, ध्यान रखें एच तो यहाँ पर रहेगा, माइनस में जब इसको डिवाइड करूंगा टू पाई कैंसिल, एक आर यहाँ पर बच जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लिया है सिंप्लीफाई करके, इसका यूज हम लास्ट में भी करेंगे और यहां भी करेंगे। तो हाइट हमारे पास आ चुकी है, अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को लेकर चलेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखें इसका यूज सिर्फ इतना रहेगा सरफेस एरिया का, जो हाइट लेंगे वो इस फॉर्म में लेंगे, हमने मैक्सिमाइज किसको करना, वॉल्यूम को करना, तो वॉल्यूम लेकर चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और h अब ये हमें मिल चुकी है, यहां से पुट करोगे पाई आर स्क्वायर, और h है s अपॉन टू पाई माइनस आर, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया पाई कैंसिल, एक r कैंसिल रहेगा, तो यहां पर आपका रहेगा r s अपॉन में टू, ये रहेगा। जब सोल्व करोगे इसको, ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा इस पाई से, एक आर कैंसिल, आर ऊपर रहेगा, आर एस और नीचे क्या रहेगा, टू रहेगा। यहां पर जब करेंगे तो पाई आर क्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे। अब ये हमारे पास फंक्शन हमारा आ चुका जिसको हम लेके चलेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि हमने वॉल्यूम को करना मैक्सिमाइज। तो इसका डेरिवेटिव, और ये आर के टर्म में है, ध्यान रखिए आर के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव। तो जब इस r का करूंगा वन हो जाएगा, तो ये s बाई टू सेम एज रहेगा। यहां पर करेंगे तो r क्यूब का थ्री पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको इक्वल टू जीरो, v डैश r इज इक्वल टू जीरो, तो आपका यहां पर s अपॉन टू माइनस थ्री पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से किसकी वाली फाइंड करनी हमने, आर की, क्या आ जाएगी, इसको उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन टू, ये थ्री पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से आर स्क्वायर आपका हो जाएगा एस अपॉन में सिक्स पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स पाई हमारे पास बन जाएगा। देखिए इसके बाद अब ये आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई। तो ये वो पॉइंट है जो हमें क्या देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। चलिए अब चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, वी डबल डैश आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो s अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो यह आएगा माइनस सिक्स पाई आर। अगर आर केवल यहां पुट कर दे तो हमें कैसी वैल्यू देगा आपके पास, ये हमें साइन चेक करना, साइन आपका नेगेटिव ही रहेगा, ध्यान रखिए v डबल डैश r, यहां अगर मैं r केवल पुट भी कर दूं इस पर चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी माइनस सिक्स पाई, और r की वैल्यू रहेगी अंडर रूट s अपॉन सिक्स पाई, ठीक है। तो यहां से हमने सिर्फ साइन चेक करना है बच्चों, हमें सिर्फ साइन को चेक करना, साइन कैसा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पाई तो आपकी पॉजिटिव रहेगी, एस जब रूट में है तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम रियल नंबर के लिए यहां पर कर रहे हैं, तो लेस देन जीरो रहेगा, और जब लेस देन जीरो है तो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख लें, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें। हमें अब करना क्या है, हमें ये फाइंड करना, तो पता चल चुका है कि जो वॉल्यूम है मैक्सिमम रहेगा किस पर रहेगा, इस वैल्यू पर रहेगा, वो क्लियर हो चुका है। अब हाइट इक्वल टू डायमीटर, अब हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे यहां पर, या क्या करें s की वैल्यू निकाल लें यहां से, उसको पुट करें, आसान रहेगा। देखिए अब इसको लेके चलेंगे, हमारे पास है h इज इक्वल टू s अपॉन टू पाई r माइनस r। अगर मैं यहां से r की वैल्यू पुट करूं या मैं s की पुट करूं तो कौन सा बेटर रहेगा, s की वैल्यू पुट कर ले, यहां से निकाल ले, यहां से निकाल ले। अगर s की वैल्यू यहां से निकालते हो तो क्या जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो s इज इक्वल टू सिक्स पाई आर स्क्वायर, इसको यहां पुट कर दे तो h
इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में 2 पाई आर माइनस आर रहेगा। चलिए 2 3 जा पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान है आप रखना पड़ेगा, साइन प्लस माइनस का, क्योंकि यहां प्लस था माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका रहेगा 3r माइनस r, तो क्या बचेगा, h इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। और 2r यानी रेडियस का डबल करें तो क्या होता है, वो डायमीटर हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं, डायमीटर, d लिख सकते हैं। रेडियस का डबल जब करोगे तो डायमीटर आएगा। तो यहां से क्या आ चुका हमारे पास, हाइट जो आपकी रहेगी, जो हाइट आपके पास आएगी इज इक्वल टू बेस ऑफ डायमीटर, या डायमीटर ऑफ बेस लिखे, ठीक है। तो वो इक्वल आ चुकी है, हमने प्रूव करना, बस ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट जो आज करेंगे। तो यहां पर क्या दिया था, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया, उसका सरफेस एरिया और जब का मैक्सिमम वॉल्यूम, देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखें, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज नहीं कहा, यहां पर कहा वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम का यूज रहेगा, सरफेस एरिया का यूज सिर्फ यहां पर करेंगे। फॉर्मूला आपके पास 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, हम डायरेक्ट भी करते इसको 2 पाई आर आर प्लस एच करते नहीं, यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे और एच यहां से फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर वॉल्यूम का यूज किया, वॉल्यूम में एच के लिए पुट कर देंगे, वहां सॉल्व किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, डेरिवेटिव करना है, समझ चुके आप, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन। तो ये अब हमारे फर्स्ट 20 सम हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के, कुछ सम और बचते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 29 सम है, 9 सम और बचते हैं और 3 हमारे एमसीक्यू रहेंगे बिल्कुल आसान से, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।